subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से हम आज एक ऐसी शख्सियत से परिचय कराएंगे, रूबरू कराएंगे, जो बुंदेलखंड की शान शेरे बुंदेलखंड के नाम से ख्याति प्राप्त हैं, जिन्होंने गांव की न्याय पंचायत से लेकर संसद तक की यात्रा का सफ़र राजनीतिक और सामाजिक स्तर से किया है। और वह किसी भी प्रतिष्ठा के पहचान के मोहताज नहीं है, बल्कि उनके नाम से जिसका नाम जुड़ता है उसकी पहचान कायम होती है। ऐसे शेरे बुंदेलखंड कुंवर सुजान सिंह बुंदेला, जो पूर्व सांसद हैं और उन्होंने राजनीति के सफ़र के साथ साथ सामाजिक सफ़र बेहतर और बेहतरीन किया है। समाज, किसी भी धर्म का समाज का आयोजन हो, उनका योगदान उस आयोजन में ना हो ऐसा उस आयोजन की सफलता का राज नहीं हो सकता है। किसने ही पंचकन्या विवाह कराकर या किसी तरह की कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को देखते ही बनता था। और आज कुंवर सुजान सिंह बुंदेला शेरे बुंदेलखंड जिस तरह अस्वस्थ हैं, उस अस्वस्थ की चर्चा जब बुंदेलखंड में सोशल मीडिया के माध्यम से समय समय पर पहुंची, तो उन्हें देखने वालों का तांता उनके सिविल लाइन स्थित गढ़ी, बुंदेलखंड में गढ़ी शब्द कहा जाता, वैसे महानगरों में हवेली कहा जाता, हवेली और गढ़ी में आने वालों का तांता लगा है। विशाल प्रांगण में, बीच मैदान में कुंवर सुजान सिंह बुंदेला खटिया पर विराजमान हैं और उनका स्वस्थ और चिकित्सा की सलाहों पर उपचार के उपरांत जो चिकित्सकों ने उन्हें उपचार के लिए सलाह दी, वह स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आने वाले समय में वह अमेरिका जाकर उपचार कराएंगे और उसकी प्रतिक्रिया चल रही है। लेकिन इसके पूर्व हम ऐसे शेरे बुंदेलखंड कुंवर सुजान सिंह बुंदेला ही से बात करते हैं, उस विषय को लेकर जो उन्होंने इस जनपद बुंदेलखंड को दिया है। ललितपुर लाइव टीवी में दाऊ आपका स्वागत है और हमारी ललितपुर लाइव टीवी आपके स्वास्थ्य कामना की जल्दी सीख ईश्वर से कामना करती है। दाऊ, हम ये जानना चाहते हैं जनता प्रतिनिधि के तौर पर कि जनता के लिए जो आपका योगदान समय समय पर मिलता है, तो ऐसी जो आपका जो ये तंत्र मंत्र है जिससे लोग आपसे प्रभावित हैं, वो आपके प्रति आकर्षित हैं, ये क्या है कि वो आपका चुंबकीय आकर्षण लोगों को आपसे जुड़े रखता है? सर्वप्रथम, सबसे पहले ललितपुर जनपद, झांसी जनपद, समूचे बुंदेलखंड की पावन धरा की मिट्टी को हम नमन करते हैं, अपने माथे पर लगाते हैं। और यहाँ के जो महापुरुष हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के अवाम हैं, जिन्होंने हृदय से, अंतरात्मा से सारी पार्टियों को भूलकर, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी धर्म और मज़हब के मानने वाले हों, किसी जाति और बिरादरी के लोग हों, सभी ने ईश्वर से दुआ मांगी है कि प्रभु भगवान खुदा अल्लाह ताला हमारे बड़े दाऊ को ठीक कर ले। ऐसे लोगों के हम ऋणी हैं, हमेशा ऋणी रहेंगे। और उनका इतना बड़ा ऋण कई जन्म लेने के बाद भी हम नहीं चुका पाएंगे। वही बात आपने कहा कि मंत्र, कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। प्रजातंत्र की छोटी इकाई आज जिसको हम गांव सभा कहते हैं, तो आप सबके अवाम के आशीर्वाद से गांव सभा का जब 72 में प्रधान बना, तो मुझे जागा कि हमें जनता की सेवा करना चाहिए। फिर यहाँ के लोगों ने, महरौनी विधानसभा के लोगों ने सम्मानपूर्वक मुझे वो MLA विधायक बनाया। इसके बीच में जिला बना था 74 में, तो अध्यक्ष जिला परिषद बनाया। इसके बाद सांसद पार्लियामेंट तक 2 बार भेजा। तो हम तो ये ऋण कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल पाएंगे? हम तो इन सबकी चरणों की रज भी अपने माथे पे लगाएं, तब तक इनका ऋण हम अदा नहीं कर सकते। वर्तमान में दाऊ, आप जिस तरह से, मतलब आपकी जो स्वास्थ्य खराब हुआ है, फिर भी आपके अंदर जीवटता और आपके जो विचार हैं उसमें छेपक कहानियां सुनाना, लोगों को हंसाना, और आपके आपको देखने वाले लोग दुखी हैं लेकिन आप उनको हंसाते हैं, ऐसा क्या है दाऊ? देखिए, मानव शरीर का जब हमने धारण किया है, ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा है, तो सुख दुख जीवन मरण ये सब हमारे साथ जुड़े हैं, सब भगवान की कृपा है। एक रोग हमें ऐसा दिया है कि जो सुनने में बुरा लगता है, तो हमारे जो लोग आते दुखी मन से आते हैं कि दाऊ ठीक, हमारा प्रयास रहता है कि इनको हंस के पहुँचाएँ हम अपने यहाँ से, तो ये प्रयास हमारा होता है। और भगवान की कृपा, आप सबकी दुआएं, आप सबका आशीर्वाद, जिससे लगा हमारे लिए इतने बड़े रोग के बाद भी आप लोगों के बीच में हम बैठे हैं। और हम आप सबको प्रणाम करते हैं, पूरे प्रेस को, पत्रकार को, आवाम को, सबको,
भगवान करेगा कि फिर से हम दिखाने जा रहे हैं बाहर, क्योंकि चौथे स्टेज का जो कैंसर है तो अच्छा इलाज कैंसर का बाहर ही होता है। यहाँ भी अच्छे डॉक्टर हैं, कर रहे हैं, तो वहाँ से ठीक होकर प्रभु की कृपा इतनी बने रहे कि हम घर घर, गांव गांव, द्वार द्वार, गली गली, कूचे कूचे, नगर नगर, डगर डगर जाके सबसे केवल इतने कार्यकाल की माफ़ी मांगे कि कोई भूल चूक हो गई है तो हमें माफ़ कर देना भाई। दाऊ, आपके राजनीतिक और सामाजिक जीवन के सफर में ललितपुर जनपद के, चूँकि आप डोंगरा गांव के जन्मे हो, निवासी हैं ललितपुर के, तो ऐसा कोई आपको कमी खलती है जो आज इस जनपद में किसी विकास परियोजना का अभाव हो? नहीं नहीं, ऐसा है कि सुजान सिंह बुंदेला का जन्म हुआ था झांसी जिले के डोंगरा कलां ग्राम में। अब हम चूँकि सांस ले रहे हैं ललितपुर जिले में, तो प्रश्न इस बात का है कि जो झांसी हो या ललितपुर या बुंदेलखंड, सब हमारे लिए एक हैं, सब एक, हम अंदर आत्मा में एक ही हम रखेंगे, बसाएंगे। अब इतना जरूर है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, पार्टियां अपनी सरकार बनाने अपने हिसाब से डेवलपमेंट करते हैं, कराते हैं, अपने बाबर में थे रहे, सत्ता में रहे, काफ़ी कुछ कराया, अब सरकारें ये करा रही हैं। बुंदेलखंड को सबसे बड़ा प्राणदान अगर देने वाले माध्यम है तो वह सुजान सिंह बुंदेला, कि हर खेत को पानी, राजघाट, बेतवा रिवर बोर्ड जब वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 में शिलान्यास किया था, 10 वर्ष का 15 साल तक कोई काम नहीं हुआ था, सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले पार्लियामेंट के सुजान सिंह बुंदेला, और राजघाट जैसी परियोजना लागू कराई थी, दोनों प्रदेशों की लड़ाई चल रही थी तो बोर्ड में दोनों प्रदेश को शामिल कराया था, और उससे जो है आज देख रहे हैं आप तो कितनी फसलें लहला रही हैं, चाहे वो जाखलोन पंप कैनाल हो, चाहे अपर राजघाट हो, लोअर राजघाट हो, पिछोर राजघाट हो, साफ की कैनालें जाके पूरे बुंदेलखंड को बिल्कुल खैर खेत को पानी दे रही है, किसान सरसब बो रहा है। तो इससे ये भगवान ने कहाँ से कहा था कि लड़ाई तुम्हें लड़ना है, और लड़के आज कारगर सिद्ध होकर बताई हमने। उस समय का स्मरण जनता याद करती है जब माननीय प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, जब ललितपुर आगमन हुआ था और दाऊ आपके पूज्य पिता ने उन्हें थैली भेंट की थी, उस समय का क्षण बड़ा ही स्मरणीय था। समय असल में बदलता रहता है। इंदिरा जी जब चुनाव जीती, सत्ता में आई, प्रधानमंत्री बनी, उसी समय रायबरेली से चुनाव लड़ते थे सोशलिस्ट पार्टी से श्री राजनारायण सिंह जी, उन्होंने हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया, चैलेंज पे जस्टिस सिन्हा जो वहाँ बैठे थे उन्होंने इंदिरा जी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया, इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में मिट गई कोर्ट की फाइलों में। लेकिन ये गुंजाइश उन्होंने दी थी कि चूंकि देश के महत्वपूर्ण पद पे है इसलिए जब तक ये प्रधानमंत्री बनी रहेंगी, रहीं आगे वैधानिक व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट तक जीत गई। लेकिन उस बीच में जो विरोधी पक्ष सारे जब एक हो गए थे, यहाँ तक कि बाबू जयप्रकाश नारायण जी, हम लोग इज्जत करते हैं उनकी, उनके साथ मिलकर सबने एक जनता पार्टी बनाई, तो 25 जून 1976 को जब देखा कि देश में अराजकता फैलती जा रही है, विरोध पक्ष काफ़ी चक्का जाम, जॉर्ज फर्नांडिस रेलवे मेंस यूनियन का उस समय अध्यक्ष थे, और उन्होंने चक्का जाम का आदेश किया, पूरे भारतवर्ष की ट्रेनें रुक गईं, अगर कोई जीरोन में खड़ी है तो कोई दलवारे में खड़ी, एक बूंद पानी, प्यास से तड़प रहे थे लोग। तो उस समय ऐसे आड़े वक्त में इंदिरा जी, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कचहरी में वकील हड़ताल कर रहे हैं, चारों तरफ गुंडागर्दी बढ़ी, सारा विरोध पक्ष सत्ता के खिलाफ हो गया था। उतना इंतजार नहीं किया जब हाईकोर्ट ने कह दिया है कि इंदिरा जी आगे अपील करें, अपनी वो करें, उनने कोई इंतजार नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि 25 जून 1975 की रात के 12 बजे भारत में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी, अकेली एक महिला ने, और पूरे देश में, देश दूसरे दिन चलने लगा, ट्रेनें आगे बढ़ने लगीं, छात्र स्कूल जाने लगे, वकील मास्टर पढ़ाने लगे, सब हर आदमी अपने अपने काम पे लग गया। ये था पूरे भारतवर्ष में जैसे यहाँ का बच्चा बच्चे यहाँ के कड़कण अनुशासन में हो गया हो, ये बात खली उनके बीच में। किसी प्रकार का जेलों में इनको इससे बंद नहीं किया गया था, सवाल ये था कि बाहर रह के जो जेल में भी बिल्कुल 5-स्टार होटल जैसी व्यवस्था थी इन लोगों को, लेकिन वहीं उनने अंदर बना के आखिर इंदिरा जी की सरकार को गिरा दी। आपने 77 में, तो 77 में जब इंदिरा गांधी ऐसे समय में आई थी घर पे जब वो सत्ता में नहीं थी, तब उन्होंने कहा कि हमारे लिए घर चलाने को वो नहीं, तब पिताजी ने जो है
कहा था एक किलर की तनख्वाह हम देंगे, ऐसी देते चले जाएंगे। वर्तमान में दाऊ आपने जो उम्र के अंतर्गत आप हैं उसके अंतर्गत जो राजनीति का सफ़र किया, उस सफ़र में आपने सब उठा पटक राजनीति की देखी और सामाजिक सरोकार भी देखा। वर्तमान में केंद्र और प्रदेश में और शासित देशों में भाजपा की सरकार है, मोदी योगी का जो डंका बज रहा है विकास का या अनेक योजनाओं का, उसमें आपका क्या विचार है और क्या आप उनके प्रति अपने भाव रखते हैं? देखो, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि हर राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से डेवलपमेंट करती हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है, कतई नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। केवल अब आगे चल के अगर इस तरह की सरकारें रहेंगी तो दो हिस्सों में देश की जनता बढ़ जाएगी। इस हिस्से में एक तो होगा बहुत बड़ा आदमी या होगा बहुत गरीब आदमी, और गरीब वो इसलिए रखेंगे कि उनके यहाँ मजदूरी कौन करेगा। बीच का आदमी बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा, जिस तरह से किसानों के साथ हो रहा है, जिस तरह से सारा जो व्यवस्था जिस सरकार लाएगी, जिसको भारत कभी स्वीकार ना करेगा ना करना चाहिए भारत को देश को। अभी आप सुन रहे थे हमारे कुंवर सुजान सिंह बुंदेला, पूर्व सांसद। रोग कोई भी हो लेकिन उनकी जीवंतता उनको जीवंत बनाए हुए है, उनके विचार जीवंत हैं और जीवंतता के उदाहरण हैं। दाऊ सुजान सिंह बुंदेला के अंदर जो जज्बा है, जो जवाब देने का तरीका है, जो जहर करने की कला है, वह राजनीतिक कौशल के अंतर्गत हर किसी के व्यक्ति में नहीं होती है। उनका व्यक्तित्व ही उनकी पहचान है और उनके व्यक्तित्व को पहचान को लेकर आज आप देख सकते हैं कि उनकी उस गली के प्रांगण में अनेक लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग आते हैं दुखी मन से, लेकिन उनके विचारों को, उनके छेपक कहानियों को सुनकर, अनेक प्रकार की पंचतंत्र की कहानियाँ, छेपक कहानियाँ, अनेक प्रकार के राजनीतिक जीवन के संस्करण व उदाहरण के तौर पर जब पेश करते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और जब उनके मिलने वाले के चेहरे पर मुस्कान दाऊ जब देखते हैं तो उनका रोग का दर्द कम होता है और रोग दूर भाग जाता है। लेकिन उपचार अभी बना हुआ है और वो अमेरिका जा रहे हैं। मैं कुछ ऐसे ही लोगों से बात करूँगा जो उनको देखने के लिए आए हैं। हमारे साथ हैं किसान नेता कुंवर गजेंद्र सिंह बुंदेला। आपका दाऊ के प्रति क्या मन है और क्या विचार है? बचपन से हम बहुत छोटे थे, जब से हमने जो भी सीखा है, आदर्श हमारे पिता से भी बुजुर्ग हैं, साथी हैं, और जो भी हमने कुछ सीखा है, जो भी आज किसान सेवा या जन सेवा है, जिस रूप में हम जा रहे हैं, वो आदर्श हमने माननीय तत्ता जी साहब सुजान सिंह बुंदेला जी से ही लिए हैं। उनके आदर्शों पे, नीति पे और धर्म पे और जाति दत्त नहीं, सिर्फ नीति दत्त तरीके से जनता के बीच आज हम सेवा उतर रहे हैं। और उनके प्रति समस्त हमारे जनपद बुंदेलखंड और प्रदेश के सभी लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है कि अति शीघ्र स्वस्थ हों और फिट हों, हम लोगों के ऊपर उनका मार्गदर्शन और छाया और आशीर्वाद बना रहे। कहाँ से आए हो दादा? हम शहरी समाज के चलत देख। अच्छा, शहरी दाऊ को देखने को आए? दाऊ के देखने के लिए हमारा पूरा परिवार आते हैं, हम भी आते हैं, कम से 20 देख चुकी। क्या भाव हैं आपके दाऊ? हमारे भाव जी हैं पूरे आदिवासी का भाव है, जो हमने चर्चा करी पूरे जिला के अंदर, तो दाऊ के लाने हर आदमी आ रहा है। हमारी समाज का जो बड़ापन दिया है शहरी समाज को, सिर्फ दाऊ साहब ने दिया है, और तो कोई जानते नहीं है। अभी की सरकार जितनी भी आ रही तो सरकार का क्या हो रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा। मुस्लिम समाज के नेता या सामाजिक कार्यकर्ता, क्या है आपका दाऊ के प्रति? हमारे दो पीढ़ी से दाऊ से संबंध है। हमारे दाऊ के जो जब से तबीयत उनकी ख़राब हुई है, सभी लोग हमारे पूरे परिवार के समाज के लोग उनकी स्वास्थ्य के लिए दुआएं कर रहे हैं, और आगे भी हमारे ऊपर अल्लाह से ये दुआ है कि दाऊ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और हमारा मार्गदर्शन करती रहें। तो जिस तरह दाऊ के प्रति लोगों का रुझान है, प्रभु से कामना है, ईश्वर से कामना है, सब मजहब के लोग यहाँ आ रहे हैं और सुबह से शाम तक गढ़ी के इस प्रांगण में तांता लगा रहता है। तो मैं और भी बात कर रहा हूँ, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे श्री, हम यहीं से आए देखने। दाऊ जल्दी स्वस्थ हों, जल्दी लौटें और फिर भी जल्दी पूरे काम स्टार्ट हों। दाऊ के बगैर हम लोग बड़े चिंतित हैं, बहुत चिंतन करने वाले के चेहरे पर और माथे की लकीरों पर चिंता का विषय बन चुका है। उपचार के लिए दाऊ रवाना होंगे कुछ समय बाद अमेरिका, और सभी की एक ही भाव, एक ही कामना है कि वह जल्दी स्वस्थ होकर लौटें और बुंदेलखंड की राजनीति और सामाजिक नीति में उनका योगदान हो। वैसे उनके सुपुत्र कुंवर चंद जो हमारे गुड्डू राजा कहलाते हैं,
वह दो बार चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें जनता का प्रेम मिला है। आगामी समय में उनकी क्या भूमिका होती ये आने वाला कल बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर कुंवर सुजान सिंह बुंदेला शहरी बुंदेलखंड कहने वाले आज हमारे बीच में रूबरू हुए हैं। उनका राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से रूबरू हुआ हुआ, तो आपने जाना और समझा, और ललितपुर लाइव टीवी का प्रयास इसी तरह आपके बीच में रहेगा। हम ऐसी हस्ती और व्यक्तित्व से आपका परिचय कराएंगे और ललितपुर के माध्यम से और ललितपुर लाइव टीवी की पूरी टीम, प्रेस क्लब ललितपुर और समूचा मीडिया मंडल जनपद ललितपुर और बुंदेलखंड का यही कामना करता है जनता की तरफ से कि दाऊ स्वस्थ हों, शीघ्र ही इस मैदान में उसी तरह शेर बुंदेलखंड की तरह वह अपने रन दौड़ें और लोगों को भी हंसाते मुस्कुराते हुए देखें और सब लोग उनको भी हंसते हुए देखें। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। बहुत खुशी हुई आपसे, बहुत खुशी, बहुत बहुत खुशी, बहुत खुशी हुई। प्रयास था कि जनता को संदेश देना। अरे आप सबकी दुआओं की वजह से आपके पीछे बैठे हैं, बनना क्या है आपका दबाव जैसे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।